सहस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रिय श्रोतागण, हम वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ के पूर्व पीठिका प्रीफेस के साथ में अध्याय वैदिक सृष्टि उत्पत्ति विज्ञान मैं पेज नंबर 198 को प्रारंभ करते हैं। पंच महाभूतों में से आकाश, वायु एवं अग्नि अर्थात स्पेस, सो कॉल्ड वैक्यूम एनर्जी और फोटॉन्स तथा एलिमेंटरी पार्टिकल्स, ये विषय हो गए। अब चौथा महाभूत है जल, जिसके लिए वैदिक वाङ्मय में आपः शब्द का प्रयोग किया है। न्याय और वैशेषिक दर्शन और उपनिषदों में और ब्राह्मण ग्रंथों में ये आपः शब्द ही है, जल कहीं नहीं है। जबकि योग दर्शन के महर्षि व्यास जी के भाष्य में जलम इस पद का प्रयोग है। दोनों एक ही पदार्थ हैं, तो यह क्या है? क्या जिसको हम पानी कहते हैं वाटर वह जल है? ऐसा अर्थ सबने ग्रहण किया। जिन्होंने भी पंचमहाभूतों को अंग्रेजी में अनुवादित किया, पंचमहाभूतों के विषय को, उन्होंने यही किया, जल का अर्थ वाटर ही ग्रहण किया। जबकि ऐसा बहुत बड़ा भ्रम है। अब ये आप या जल क्या है, इस विषय में तत्वदर्शी ऋषियों का क्या मत है, उसके लिए हम उनके कुछ वचनों को उद्धृत यहां कर रहे हैं। अग्नि पूर्व रूपम, आदित्य उत्तर रूपम, आप संधि वैद्युतः अग्नि संधानम। महर्षि तृतीर्का है तैतरी आरण्य 732 और तैतरी उपनिषद 133। उधर तैतरी संहिता में लिखा 4.6.1.2 में अग्ने पित्तम अपामसी। फिर तैतरी आरण्य 8.2 और तैतरी उपनिषद 2.1.1 में अग्ने राप। फिर तैतरी संहिता 2.6.8.1.3, काटक संहिता 25.3 और ये ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण 2.16, कौशितकी ब्राह्मण 11.4, तैतरी ब्राह्मण 3.2.4.3 में लिखा आपो वही सर्वा देवता। शतपथ ब्राह्मण 10.5.4.15 में आपो वही सर्वे कामाः। ऐतरेय ब्राह्मण अर्थात यही ग्रंथ 6.30 में लिखा आपो नम। मैत्राणी संहिता 2.13.15 में आपो वसी जन्मना वशा सा यज्ञं गर्भम अधत्था। शतपथ ब्राह्मण 11.1.6 में आपो हवा इदम अग्रे सलिलम इवास। तैतरी संहिता 4.1.5.1 में आपो हिष्ठा मयो भवस्तान ऊर्जे दधातन। काटक संहिता 32.2 में इंद्रियम व आपह। तैतरी आरण्य
1.2.85 में इमे वही लोका अपसु प्रतिष्ठिता काटक संहिता 32.7 में इयम पृथ्वी वा एतासाम अपाम पात्रम 33.1.24 में चत्वारी वा अपाम रूपाणी मेघो विद्युत स्तन यत्नुर वृष्टि जैमिनी ब्राह्मण 1.144 में ता आप मिथुन मैच्छंत ता मित्रा वरुणा वुपहिताम ता गर्भम अदधत ततो रेवतः पशवो सृज्यंत मैत्राणी संहिता 3.6.3 में त्रयीर्वा आपो दिव्या पार्थिवा समुद्रिया शतपथ ब्राह्मण 1.1.1.18 और 2.1.1.4 में लिखा योषा वा आपो वृषाग्नि शतपथ ब्राह्मण 7.5.2.49 में लिखा विद्युत वा अपाम ज्योति 33 आरण्यक 1.22.78.79 में लिखा अग्निर्वा अपाम आयतनम आपो वा अग्नि रायतनम 33 संहिता 5.1.5.8 में लिखा अपाम येष गर्भो यदग्नि ये हमने कई वैदिक वैज्ञानिकों ऋषियों के वचनों को उद्धृत किया है। अब इन वचनों का क्या अर्थ है उसको सार रूप में हम यहाँ बताते हैं। अग्नि अर्थात हमने बताया था अग्नि का विद्युत चुम्बकीय तरंगें और एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्वार्क्स आदि। विद्युत चुम्बकीय तरंगों और मूल कणों एवं आदित्य तारों के निर्माण के मध्य में किस पदार्थ का निर्माण होता है वह पदार्थ है आपह। इसलिए आपह को संधि का है। इस अवस्था को उत्पन्न करने में संधान की भूमिका कौन निभाता है, साधन की भूमिका कौन निभाता है, विद्युत। इस पर विचार करें कि जो पदार्थ विद्युत चुम्बकीय तरंग एलिमेंट्री पार्टिकल बनने के बाद बनता है, उत्पन्न होता है और तारों की उत्पत्ति से पहले बनता है फोटोन एलिमेंट्री पार्टिकल के बाद में और तारों के निर्माण से पहले, वह पदार्थ क्या हो सकता है। वर्तमान फिजिक्स पर विचार करें तो विभिन्न प्रकार के आयंस और एटम्स ही उस समय निर्मित होते हैं। इसलिए आपह जो तत्व है, जल तत्व है, वह वर्तमान भाषा में आयन और एटम कहा जा सकता है। यह जल महाभूत। अब दूसरा वचन जो था उसका अर्थ है पित्त किसको कहेंगे। पित्त का अर्थ ऋषि दयानंद ने लिखा तेज। महर्षि दयानंद यजुर्वेद भाष्य 17 है आपह नामक उपर्युक्त अवस्था वाले पदार्थ में जो भी तेज विद्यमान होता है वो अग्नि का होता है अर्थात विद्युत और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कारण ही होता है न कि अपना। आयंस और एटम में विद्युत अथवा ऊर्जा के बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती, इसलिए अग्नि को आपह परमाणुओं के तेज का रूप कहा है। किसी भी एटम किसी भी आयंस में जो तेज है प्रकाश है वह अग्नि के कारण है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कारण है, किसी एनर्जी के कारण है और जिससे ये बनते हैं आयन किससे बने एलिमेंट्री पार्टिकल्स से उसके कारण है। और आपह का अर्थ ये भी ग्रहण कर सकते हैं प्राण, क्योंकि तान्य महाब्राह्मण 9.9.4 तैत्री ब्राह्मण 3.2.5.2 जैमिनी उपनिषद 3.2.5.9 में कहा प्राणावा आपह। तो इसका अर्थ ये होगा कि अग्ने पित्तम अपामसी जो अग्नि फोटोन्स एलिमेंट्री पार्टिकल में जो तेज है वो किसका अग्नि का अर्थात प्राण रश्मियों का तेज है। प्राण और छंद रश्मियों से ये सभी पार्टिकल फोटॉन्स बनते हैं,
तो उनका तेज ही उसमें है। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं, अग्नि महाभूत के पश्चात, और अग्नि महाभूत से ही जल तत्व का निर्माण होता है, अर्थात आयन विद्युत चुंबकीय तरंगों और एलिमेंट्री पार्टिकल से बनते हैं, और वही इनके कंटेंट्स भी हैं। अगर फोटोन का निर्माण न हो और एलिमेंट्री पार्टिकल्स का भी निर्माण न हो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, या न हुआ हो, उस समय तक कोई एटम या आयन बन गया ये कल्पना नहीं की जा सकती। यद्यपि ये सब जानते हैं कि एटम और आयन्स एलिमेंट्री पार्टिकल से बनते हैं, लेकिन केवल एलिमेंट्री पार्टिकल ही हो, ऊष्मा आदि नहीं हो, तब भी एलिमेंट्री पार्टिकल मिलकर के आयन्स का निर्माण नहीं कर सकते, ये कहने का तात्पर्य है। आपह के परमाणु अर्थात जल के परमाणु कौन से, आयन्स और एटम में सभी प्रकार की प्राण और छंद रश्मियां विद्यमान होती हैं। पूर्वोक्त आकाश वायु और अग्नि भी विद्यमान होती है। एटम्स और आयन्स में स्पेस भी है, सो कॉल्ड वैक्यूम एनर्जी भी है जिसे हम वायु कहते हैं, और उसके अंदर ऊष्मा आदि भी है, अग्नि वह भी है इसमें, ऊष्मा प्रकाश आदि भी विद्यमान है। अब आगे सभी प्रकार के आप परमाणु आयन्स और एटम्स सूक्ष्म दीप्ति और आकर्षण आदि बलों से युक्त होते हैं। कोई भी आयन और एटम्स ऐसा नहीं होता जिसमें कोई इंटरेक्शन का भाव नहीं हो, आकर्षण आदि का भाव न हो। एटम्स की परिभाषा ही वर्तमान विज्ञानी देता है कि किसी तत्व का वह सबसे सूक्ष्म कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, तथा जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और जो कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो एटम कहलाता है। आयन भी, आयन और भी ज़्यादा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो सदैव किसी से जुड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। यह बात सत्य है कि इस ब्रह्मांड में अनेक अनेकत्र आयन स्वतंत्र भी घूम रहे हैं, लेकिन वो जहाँ भी अवसर मिलता है वे अपना संयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं, और वे संयुक्त होकर के मॉलिक्यूल्स बनाने का प्रयास करते हैं। और फिर आगे कहा कि ये कण कौन से कण, आयन और एटम, जब पैदा होते हैं जब ही इसमें गुण आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनमें धीरे धीरे विकसित होते हैं। इस कारण ये सभी कण जल महाभूत के परमाणु, इनको जल महाभूत का परमाणु कहेंगे, वे संयोग आदि कर्मों को अपने गर्भ में छुपाए हुए ही उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं के अंदर संपूर्ण सृष्टि का गर्भ छुपा हुआ रहता है। क्योंकि यदि आयन न हो तो सृष्टि का निर्माण नितांत असंभव है, और उन आयनों में फोर्स कार्य कर नहीं रहा हो, इंटरेक्शन का भाव नहीं हो, तो सृष्टि कभी नहीं बन सकती। इसी बल के कारण, आयन और एटम्स के इसी स्वभाव के कारण मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, और मॉलिक्यूल से सारी सृष्टि बनती है। फिर आगे, जब अग्नि महाभूत से इसकी उत्पत्ति होती है तब इसके परमाणु कैसे होते हैं, मानो एक समय संपूर्ण ब्रह्मांड आयन्स के महासागर का रूप था, सर्वत्र आयन्स आयन्स भरे हुए थे, पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स दोनों ही जल के रूप में, इसलिए उसका नाम कहा सलिल,
और वह ऐसा सलिल था, ऐसा महासागर था कि मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उसी में समाया था, सब उसे। जैसे एक हौज में पानी है और उसको धीरे धीरे जमाया जा रहा है, तो जो जम करके बर्फ बनी वो कहाँ से आई? मानो वो पहले उस जल में ही समाई थी। वे मॉलिक्यूल्स वही हैं, कोई नए मॉलिक्यूल्स बर्फ के कहीं से आए नहीं हैं, वो प्रकट हुए। वैसे ही आयंस के समुद्र में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ होता है, और आगे की जो प्रोसेस प्रक्रिया होती हैं उनसे वो ब्रह्मांड के मॉलिक्यूल और आगे स्थूल कण और आगे विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के कारण अनेक लोग उत्पन्न होते हैं। अर्थात सभी लोग, सभी प्रकार के पदार्थ उन आयंस रूपी महासागर में से ही निकले हैं, अर्थात उन्हीं से बने हैं। और यह महासागर जो सर्वत्र भरा हुआ था, यह भरा हुआ जैसा बनता है, उत्पन्न होता है, वह सतत गतिमान रहता है, वो स्थिर नहीं रहता। वह महासागर भी चलता रहता है, घूमता रहता है, और उसके अंदर जो आयंस हैं, एटम्स हैं, वो भी स्थिर नहीं रहते, उनमें भी गति और वाइब्रेशन, मोशन एंड वाइब्रेशन होते रहते हैं। फिर आगे इस प्रकार उस महासागर में विद्यमान आपा परमाणु तीव्र ऊर्जा बल संपन्न नहीं होते, बल्कि उनमें अग्नि महाभूत ऊष्मा धीरे 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 संचरित होती है, और इससे वे सभी आयंस उत्तेजित होते चले जाते हैं, और उत्तेजित होते होते वे अग्नि पीढ़ी के पदार्थ, जिसको आज की भाषा में कहते हैं मॉलिक्यूल्स, को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं अथवा उत्पन्न करते हैं। आगे लेते हैं, सभी आयंस और एटम्स इंद्रिय रूप होते हैं, अर्थात बल रूप होते हैं, उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कार्य करता है, कोई आयन इसे विपरीत, इससे वंचित नहीं रहता। और इंद्रिय रूप वे अग्रिम पदार्थों को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। फिर आगे सभी लोक, लोकार्थ भू आदि, भू भुव स्व मह जना तप, ये सूक्ष्म रश्मियाँ भी हैं, और छंद रश्मियों को भी लोक कहते हैं। सभी प्रकार के लोक अर्थात सभी प्रकार की सूक्ष्म और स्थूल रश्मियाँ इस जल महाभूत में, एटम्स और आयंस में प्रतिष्ठित रहती हैं, व्याप्त रहती हैं। और इसका आते ब्रह्मांड में जो नाना लोक हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्का पिंड हैं, तारे हैं, बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सियां हैं, जो भी हैं सब, उन सब में ये आयंस विद्यमान होते हैं, व्याप्त होते हैं, अथवा कहें आयन से ही मिलके ये स्थूल पदार्थ बनते हैं। और दूसरी बात, सभी लोकों के चारों ओर इन आयन्स का घेरा भी होता है। आगे अग्रिम पीढ़ी के महाभूत, जो पृथ्वी महाभूत है, वह आपा महाभूत के परमाणुओं से ही निर्मित है, और ये आप है जल के परमाणु, जल तत्व, अर्थ जो कहा क्या, अर्थात आयंस और एटम्स, ये सभी प्रकार के पार्थिव परमाणुओं में भरे रहते हैं, अर्थात मॉलिक्यूल्स में भरे रहते हैं। अब इस सृष्टि में चार प्रकार का जल होता है, आप चार प्रकार के होते हैं सृष्टि में, अर्थात आयन और एटम्स चार प्रकार के हैं। पहला ये बताया
ये महर्षि तृतीय ऋषि ने बताया है, मेघ कुछ तो आयंस और एटम्स कॉस्मिक मेघ कॉस्मिक क्लाउड के रूप में इस सृष्टि में भरे होते हैं, कहीं कहीं आज भी होंगे, और पहले कॉस्मिक क्लाउड से सृष्टि बनी ही है। वह एक प्रक्रिया, वह एक चरण है जब आयोनिक क्लाउड बन जाते हैं, और उनसे ही फिर आगे तारे ग्रह उपग्रह आदि लोगों का निर्माण होता है। अगर वे क्लाउड न बने तो आगे लोगों की रचना संभव नहीं होगी। दूसरा आपय तत्व, आपय महाभूत, जल महाभूत कौन सा है? विद्युत। जो आयन नाना प्रकार के लोकों के चारों ओर व्याप्त होते हैं, और उन लोकों और उनमें विद्यमान नाना प्रकार की वनस्पतियों और हमारे शरीरों में ये आयंस विद्यमान होते हैं। अगर आयन नहीं हो, अगर जल महाभूत नहीं हो, तो हमारा शरीर काम नहीं करेगा। जो जूलॉजी पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, वे जानते हैं कि भोजन का पाचन, शरीर में रक्त परिसंचरण, श्वसन तंत्र, मस्तिष्क के सारे क्रियाकलाप, संपूर्ण नर्वस सिस्टम, सभी मांसपेशियां, जो भी का उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, आँख कान नाक, सभी इंद्रियां जो भी कार्य करती हैं, उनके कार्य करने में आयंस की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इस बात को फिजियोलॉजी वाले जानते हैं। फिजियोलॉजी आयंस तक जाकर रुक जाती है। आयंस के बाद कौन ये मोर्चा संभालता है, कौन काम करता है, इसको फिजियोलॉजी नहीं जानती। इसके आगे बायोफिजिक्स बताती है, और बायोफिजिक्स भी जहाँ समाप्त हो जाती है वहाँ वैदिक फिजिक्स प्रारंभ होती है, रश्मियाँ प्रारंभ होती हैं, और जहाँ रश्मियाँ समाप्त हो जाती हैं, वैदिक फिजिक्स समाप्त हो जाती है, वहाँ से प्रारंभ होता है अध्यात्म। तो जो विद्युत, कहने का तात्पर्य कि ये आयंस विद्युत रूप में जो जल है अर्थात आयंस हैं, वे ब्रह्मांड के सभी स्थूल पदार्थों में विद्यमान है, उनका अंग है, और उनके संचालन में उनकी सबसे बड़ी स्थूल भूमिका होती है। स्थूल भूमिका इसलिए कह रहा हूँ कि मेडिकल साइंस उसको सूक्ष्म भूमिका बताता है, और उसके लिए वह सूक्ष्म भी है। मैंने हाथ से स्केल उठाया, ये देखने वाले के लिए बड़ा स्थूल कार्य है, लेकिन अब फिजियोलॉजी के प्रोफेसर को पूछे हाथ ने कैसे उठाया, तो मस्तिष्क ने हमारी प्रेरक तंत्रिकाओं को क्या आदेश दिया, प्रेरक तंत्रिकाओं ने मसल्स को कैसे प्रेरित किया, मसल्स ने कैसे इसको उठाया, मसल में क्या क्या गतिविधियां हुई, मसल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कार्य करता है, वो कैसे उत्पन्न हुआ, वह आयंस की भूमिका क्या रही, ये फिजियोलॉजी बताएगी। लेकिन आयंस की रचना, आयंस के कार्य, आयंस की प्रॉपर्टीज ये बताती है फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, कुछ कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स, जहाँ न्यूक्लियर फिजिक्स समाप्त हो जाती है वह पार्टिकल फिजिक्स आती है, एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद पार्टिकल फिजिक्स आती है, पार्टिकल फिजिक्स समाप्त हो जाती है वहाँ एक नई फिजिक्स है जिसको अभी पूरी मान्यता नहीं मिली है, स्ट्रिंग थ्योरी। उसके बाद हम आते हैं, हम अर्थात वैदिक फिजिक्स, वैदिक रश्मि थ्योरी, ये वैदिक फिजिक्स प्रारंभ होते हैं। फिजिक्स की सीमा समाप्त और वैदिक फिजिक्स की सीमा प्रारंभ। तो रश्मियाँ सभी जड़ हैं, मस्तिष्क ने आदेश दिया, हमने ऐसा सोचा, मेडिकल साइंस ऐसा कहता है, लेकिन मस्तिष्क जड़ है, वो आदेश नहीं दे सकता।
मोटरसाइकिल को चाबी से स्टार्ट किया जा सकता है, तो ये चाबी मस्तिष्क हो गई, लेकिन चाबी लगाने वाला, चाबी घुमाने वाला एक चेतन है, चेतन व्यक्ति। वह चेतन हमारे अंदर बैठा है, मस्तिष्क में बैठा है, मन, मन नहीं, मन से आगे आत्मा, और मन उसका साधन है, मन उसका हाथ है, समझो। तो ये साइंस वैदिक रश्मि थ्योरी भी नहीं बताएगी, मन तो वैदिक थ्योरी, रश्मि थ्योरी का अंश है, लेकिन वैदिक थ्योरी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म होगा, फिर वैदिक थ्योरी ऑफ सोल, वैदिक थ्योरी ऑफ गॉड, मैकेनिज्म ऑफ द ईश्वर गॉड, ये बताएगा। तो जो कोई कोई कमेंट करते हैं, हर आदमी गणित चाहता है, हर आदमी प्रयोग चाहता है, कोई कोई कहता है ईश्वर को छोड़ दो इसमें से, ईश्वर को छोड़ने से थ्योरी ऑफ यूनिवर्स ऐसा रह जाएगा, ऐसी रह जाएगी जैसे चलते चलते पंखे में से लाइट निकल जाए, लाइट चली जाए, पंखा बंद हो जाएगा, वो पूरा दिखेगा, उसके रंग रोगन में कोई अंतर नहीं आया, उसके आकार में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन चलेगा नहीं। तो वैदिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स ईश्वर को प्राण, ईश्वर को मूल सत्ता मानती है, मूल प्रेरक तत्व मानती है, और मानती नहीं है, वास्तव में ऐसा है। किसी के मानने से ईश्वर बनेगा नहीं, और किसी के न मानने ईश्वर मिटेगा नहीं। लेकिन क्या करें, ईश्वरवादियों ने भी बहुत सी कल्पना कर ली, ईश्वरवादियों ने ही अनिश्वरवादियों को पैदा किया है। क्या कहा, मानो तो देव, न मानो पत्थर। मेरे मानने से कोई देव कैसे बन जाएगा, मेरे मानने से पत्थर कैसे बन जाएगा, मेरे मानने से मिट्टी गुड़ नहीं हो सकती है, कोई नहीं खाता मिट्टी को गुड़ मान करके, मेरे मानने से पीतल लोहा सोना नहीं हो सकता है, मेरे मानने से कांच हीरा नहीं बन सकता है। ऐसा होता तो सब बहुत चीज़ें मान लेते, कोई गरीब नहीं रहता, कोई भूखा नहीं रहता, कोई नंगा नहीं रहता, कोई पैसा नहीं रहता, परंतु मानने से बात बनती नहीं ना, जो जैसा है वैसा ही रहता है। तो ईश्वर है, ये केवल मानने की बात नहीं है, ये जानने की बात है, क्यों है, कैसा है, ये जानने की बात है। ईश्वरवादियों ने मान करके, मिथ्या मान करके, आस्थाओं विश्वास करके, झूठे आस्थाओं विश्वासों करके, अपने अपने मन से ईश्वरों की कल्पना करके संसार के बुद्धिजीवियों को नास्तिक बनाया, और वे नास्तिक आज हमारे लिए बाधक बन रहे हैं, हमारे विरोधी बन रहे हैं, हमारे शत्रु बन रहे हैं, वो हमें अपना शत्रु समझ रहे हैं, वे स्वयं नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, लेकिन स्वयं को बहुत बुद्धिजीवी मान रहे हैं, ये वैसे मानते वो। उनको दोष में इसलिए नहीं दे रहा कि वो क्योंकि वो प्रतिक्रियावादी हैं। हम तथाकथित धार्मिक लोगों ने ईश्वर की मान्यता को इस तरह थोपा, इसको ईश्वर मानो मैंने कहा, इसको ईश्वर वो मैंने कहा, मेरा मजहब कहता है, मेरा ग्रंथ कहता है, मेरा गुरु ने कहा है। किसी के कहने से थोड़ी ईश्वर होगा, लॉजिकल बताइए, सिद्ध करिए। तो चर्चा है कि आयंस सब जगह कार्य कर रहे हैं, शरीर में, वनस्पतियों में, भूमि के अंदर, भूमि के बाहर, सूर्य में, तारों में, कथित ब्लैक होल्स में, कथित में कहूँगा, वैसे वहाँ आयंस होने की स्थिति नहीं होगी, वहाँ तो पार्टिकल ही पार्टिकल रह जाएंगे। इन सब में विद्युत कार्य कर रही है, आयंस कार्य कर रहे हैं कुछ जगह को छोड़ करके,
और आयंस के कार्यों के पीछे फोर्स का, फोर्स की सत्ता है, फोर्स के पीछे वैदिक रश्मियों की सत्ता है, वैदिक रश्मियों के पीछे ईश्वर की सत्ता है, जीवात्मा की सत्ता है। आज का समय समाप्त हुआ। आज हमने दो आप है परमाणु, दो आप परमाणु के अर्थात दो रूपों की चर्चा की। शेष कल ओम शम।